जिले भर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर अब स्कूलों में कोरोना का डर सता रहा है। प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में बच्चों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को लेकर जहां स्कूल प्रबंधन चिंतित है, वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा जल्द ही पहली से आठवीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई करने संबंधी आदेश जारी करने की बात भी कही जा रही है। फिर से स्कूल बंद होने को लेकर BCN न्यूज पांडुर्ना ने शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर बात की गहराई को समझने की कोशिश की। यदि कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेकर स्कूल बंद की जाती है तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएगी। न्यू सनफ्लावर स्कूल के प्राचार्य एस पातुरकर का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता है और अभिभावक इसका दोष प्रबंधन पर मढ़ते हैं। इस बात का खामियाजा फीस नहीं भरकर प्रबंधन को ही भुगतना पड़ता है। कोरोना जैसी भयावह बीमारी से बचना हम सभी को जरूरी है, लेकिन बीमारी के बार बार आने से निजी स्कूलों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है और ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है उसको ऑनलाइन करने के लिए आदेश जारी होने वाले हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आपके स्कूल पर? सर, इस विषय को लेकर जो चर्चा चल रही है कि भाई ऑफलाइन जो पढ़ाई होगी इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। ज़्यादातर क्या है कि स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहते हैं और जिस प्रकार से उनको पढ़ाई मिलना चाहिए वो ऑफलाइन में नहीं हो पाती। तो जैसे छोटे बच्चों को तो सर अभी टीके नहीं लगे हैं और कोरोना जो है इस बार छोटे बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है, स्कूल लगाना जो है ऑफलाइन वो सही रहेगा? कंटिन्यू रेगुलर स्कूल लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरी लहर को अगर ध्यान में रखे तो क्या है कि बच्चे थोड़े दिन के लिए अगर अपन ने ऑफलाइन रखे तो चल जाएगा, बट ये तीसरी लहर के लिए थोड़ा सा अपने को रुकना पड़ेगा। किस तरह का असर पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों के अर्थव्यवस्था पर? प्राइवेट स्कूलों के ऊपर तो बहुत प्रभाव है इसमें। क्या है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है अपना जो चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों की आर्थिक स्थिति के ऊपर प्रभाव होगा, बट स्कूल में जो बच्चों की जो संख्या होती है, दर संख्या होती है, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। इसमें ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता है कि भाई बच्चे और पेरेंट्स जो रहते हैं उसमें असमंजस्य की भावना निर्माण होती है कि भाई पढ़ाई नहीं हो पाई है, हम बच्चों की फीस कैसे जमा करें, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कितना नुकसान हुआ है लगभग सर अभी जैसे पहली लहर दूसरी लहर के बाद स्कूल को? इसमें तो बहुत सारा नुकसान हुआ है सर स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों में, कि जैसे स्कूलों की आर्थिक स्थिति मतलब 50% तो आय कम ही हो गई है। उसमें क्या है कि पेरेंट्स जो फीस है देने में हिचकिचाते हैं, जो क्लास नहीं लगी उसमें बहुत सारा मतलब अपने को उसमें योगदान निर्माण होता है, स्कूल संचालन में योगदान निर्माण होता है, बट जो कर्मचारी जो वेतन कर रहे हैं तो वो हालांकि इस मामले में शिक्षा अधिकारी YR मानवड़े का कहना है कि इस तरह का कोई आदेश अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के कहने पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए ग्रुप बनाकर रखे गए हैं, इससे परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करना आसान हो सकेगा। कोविड की जो तीसरी लहर चल रही है इसके मद्देनज़र अभी फिर से स्कूलों में लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, ऑनलाइन जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जा रहा है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा शिक्षा विभाग? अभी ऑनलाइन संबंधी कोई निर्देश वैसे आए नहीं है, पर यदि आ जाते हैं तो हमारी जो बैठक हुई DO साहब ने जो बताया उसके अनुसार हमारी पूरी तैयारी है। जैसे निर्देश आ जाते हैं, हम ग्रुप हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, तत्काल हम उसके ऊपर कार्रवाई चालू कर देंगे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का कोर्स वैसी है, कोविड के कारण जो लेट हुई शाला है तो कोर्स कम करने के कारण जो है लगभग कोर्स समाप्ति पर है और परीक्षा की तैयारियां चल रही है, अभी रिविजन ही चल रहा है संस्थाओं में। तो फिर भी यदि ऐसे निर्देश आते तो उसकी पूरी तैयारी है और वो तत्काल हम उसके ऊपर कार्रवाई चालू कर देंगे। सर, बोर्ड की परीक्षाओं का समय आने वाला था और ऐसे में तीसरी लहर आई है, तो समय पर क्या एग्ज़ाम हो पाएंगे? अब वो तो विभाग के जो निर्देश आते हैं उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे, जैसे भी निर्देश आते हैं। बाकी हमारी जो पूर्व के जो निर्देश है उसके अनुसार तैयारी पूर्ण है। अभी स्कूलों में क्या सावधानियां बरती जा रही है? अभी स्कूलों में जैसे जो आदेश आया 50% वाला, तो 50% के हिसाब से बच्चों को बुला रहे, आधे बच्चे बुला रहे और कोरोना प्रोटोकॉल का जो पूरे निर्देश का पालन किया जा रहा है उसमें।
गौरतलब है कि हाई और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को तेजी के साथ कोरोना डोज लगाए जा रहे हैं, जिससे उनमें सुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। लेकिन छोटे बच्चे आज भी संक्रमण से असुरक्षित है, जिससे शासन प्रशासन के साथ सभी को नई नई हाल की चिंता सता रही है। बीसीएन न्यूज पांडुर्णा के लिए जितेंद्र अतकरे की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज पांडुर्णा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएन न्यूज पांडुर्णा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।